गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर इंग्लिश क्लास. नाउ टुडे वी स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर एंड इन इंग्लिश ग्रामर वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ए एन एंड द. आज हम किस चीज का ए एन द का यूज करना सीखेंगे. अब है लुक एट दिस वर्ड. ए कैट, ए लॉयन है. सेकेंड है एन ऑरेंज, एन एंट. फिर है द सन एंड द अर्थ. अब देखिए हम सीखेंगे कि हमें किसके आगे एन लगाना है, किसके आगे ए लगाना है, क्या किसके आगे द लगाएंगे. वी यूज अ बिफोर अ नेमिंग वर्ड देन बिगिंस विद अ कंसोनेंट. ए हम किसके आगे लगाएंगे, जो शब्द कंसोनेंट्स एस जैसे बी सी डी एफ, ये सब जो है क्या है, हमारे कंसोनेंट्स हैं, तो उनसे पहले हमको क्या लगाना है, हमेशा ए लगाना है. आप लोग पहले से जानते हैं एन हमें किसके आगे लगाना होता है, जो वॉवल से शुरू होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू से जो शब्द वॉवल से शुरू होते हैं उनके आगे हमको क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है. वी यूज द बिफोर नेमिंग वर्ड दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड. और द हम किसके आगे लगाते हैं, जैसे कि जो एक चीज होती है खाली और वो नेमिंग वर्ड्स होता है उससे पहले हमको क्या लगाना होता है, द. जैसे देखिए सन, तो सन क्या है, एक ही है सन, एक दो तो नहीं है. स्काई या अर्थ क्या है, ये एक एक है, तो हमें इनसे पहले क्या लगाना होगा, द लगाना होगा. ठीक है. देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट. जो आपकी एबीसीडी है उसमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26. एबीसीडी ए से लेके जेड तक कितने, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 26. दीज फाइव लेटर्स आर द वॉवल्स. और जो फाइव लेटर जैसे कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये फाइव कौन क्या है, ए आई ए ई आई ओ यू क्या है, दीज आर वॉवल्स. तो वॉवल से पहले हमें क्या लगाना है, ए एन एन लगाना है. वॉवल से पहले हमें क्या लगाना है, ए एन एन लगाना है. और जो बाकी के जितनी भी हैं, बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. इनसे पहले हमें क्या लगाना है, ए लगाना है. क्या लगाना है, ए लगाना है. समझ में आ रही है. अब देखिए हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे. सर्किल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. हमको यहाँ ये सेंटेंस दिए हैं, इनमें हमें ए लगाना है या एन आएगा या द आएगा, ये लिखे हुए हैं, जो सही है उनको हमें क्या करना है, सर्किल करना है. देखिए फर्स्ट दिया हुआ है राकेश हैज ए एन टॉय ड्रम. क्या आएगा, टॉय क्या है, किससे शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट्स है. तो टॉय से पहले क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, ए आएगा. तो इसलिए हमने इसको ए को सर्किल कर दिया है. ठीक है. सेकेंड, लक्ष्मी इज आ द नेम ऑफ ए एन एलिफेंट. लक्ष्मी इज ए द नेम, तो नेम से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, द आएगा. क्या आएगा, द आएगा. तो हमने ये द को सर्किल किया है. ए एन एलिफेंट, एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, और ई क्या है, वॉवल है. तो एलिफेंट से पहले किसको सर्किल करेंगे, एन को सर्किल करेंगे. ओके. थर्ड, ए एन हैन सिट्स ऑन ए एन फेंस. हैन, हैन क्या है, एच से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हैन से पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा. तो हम किसको सर्किल करेंगे, हैन ए को सर्किल करेंगे. ऐसी फेंस, फेंस भी किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है एफ से, तो इससे पहले भी क्या आएगा, ए आएगा. ओके. फोर्थ, मुकेश हैज ए एन इंक पॉट.
मुकेश इंक पॉट, तो इंक पॉट, इंक पॉट किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, जो कि क्या है वॉवल है, तो किस इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, एन आएगा, तो हम एन को सर्किल करेंगे, ओके। फिफ्थ, देयर इज ए एन क्लाउड इन एन द स्काई, क्लाउड, क्लाउड क्या है, सी से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो क्लाउड से पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो हम ए को सर्किल कर देंगे। ऐसे ही स्काई, स्काई क्या है, वन है, ज्यादा तो नहीं है उतना, स्काई तो एक ही होता है, तो स्काई से पहले क्या आएगा, द आएगा, तो हम यहां पर द को सर्किल करेंगे, ओके। देयर इज ए एन टॉय शिप ऑन ए द टॉप शेल्फ, अब यहाँ टॉय, टॉय से पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्यों, क्योंकि टॉय कॉन्सोनेंट टी से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए को सर्किल कर देंगे। ऑन ए द टॉप शेल्फ, ऐसे ही जो टॉप शेल्फ है, टॉप की शेल्फ है, तो वो क्या है, एक है, तो उस पे क्या आएगा, द, तो हम यहां पर द को सर्किल कर देंगे, ओके। डू यू अंडरस्टैंड, राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।